The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो, कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में हो, आप स्पोर्ट्स खेलते हो, आप एक हॉकी प्लेयर हो, आप सॉकर प्लेयर हो, आप बॉडी बिल्डर हो, या आप वैसे ही रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो, भारी सामान उठाते हो, तो आपको हर्निया का रिस्क है। जी हाँ, स्पोर्ट्स हर्निया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसका मेन कारण है ओवर यूज ऑफ योर ग्रोइन मसल्स। आपकी इंटेस्टाइन्स के नीचे जो ऊपर सॉरी इंटेस्टाइन के ऊपर जो एब्डोमिनल ग्रोइन मसल्स है, उनकी मसल्स के कंजेनाइटल वीकनेस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आने वाली वीकनेस, बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर लेने से आने वाली वीकनेस के वजह से आपको हो जाता है हर्निया। और प्लस बेसिकली इससे क्या होता है, वीकनेस क्यों आती है, स्ट्रेस है, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस विदाउट गिविंग प्रॉपर टाइम फॉर रिकवरी, प्रॉपर रेस्ट, हर्निया कॉज कर सकता है। और स्पोर्ट्स हर्निया किसी भी कारणवश अगर होता है, वो ज़्यादातर हम देखेंगे तो रिपीटेटिव ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, हाई स्पीड में ट्विस्टिंग टर्निंग इफेक्ट से होता है। जी हाँ, ट्विस्टिंग टर्निंग इफेक्ट, जो आप वो जो खड़े होने वाली वो मशीन में ऐसे करते हो ना, झुर 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 झुर, फालतू की एक्सरसाइज करना बंद कर दो, ठीक है, ऐसी एक्सरसाइज ना करा करो कुछ भी कुछ, ठीक है कि नहीं। हाँ, और फिर उसके बाद ट्विस्टिंग टर्निंग इफेक्ट हाई स्पीड में अगर आप कर रहे हो बिकॉज ऑफ, या किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट है, किसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्वमेंट है, कोई रनिंग में इन्वॉल्वमेंट है, कोई जंपिंग में इन्वॉल्वमेंट है, स्विमिंग में इन्वॉल्वमेंट है, तो इसके चांसेस है, क्योंकि कॉन्स्टेंट मसल स्ट्रेन आता है उस पर, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर्निया हो सकता है, राइट। एक्सरसाइज जो आपकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करेगी पेल्विक मसल्स की, वो आपकी हर्निया प्रिवेंट भी कर सकते हैं, रिमेंबर दैट। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज कौन सी होती हैं, जो कोर एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि आपका प्लैंक्स है, सुपरमैन्स हैं, या जितनी भी कोर एक्सरसाइजेज हैं, वो आपके हर्निया के चांसेस कम करेंगे, ओके। मसल स्ट्रेन, जो कॉमनली मसल के ऊपर स्ट्रेच आता है, जो इसके लिमिट से ज़्यादा है, जब बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेच करते हो खुद को, नहीं आज तो मैं इतने ज़्यादा एब्स करूँगा, आज तो मैं पता नहीं क्या कर डालूंगा, तो उस चक्कर में ज़्यादातर हर्निया इस चक्कर में होता है, राइट। कनेक्टिव टिश्यू है, मसल है, टेंडन है, फट सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, वहाँ से हर्निया हो सकता है। अगर हर्निया होगा तो क्या होगा, आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता भी है, हर्निया का जो मेन सिम्टम है वो है, राइट, सो हर्निया का जो मेन सिम्टम आता है वो ये आता है कि आपको कहीं ना कहीं पर आपके हिप के ऊपर थोड़ा सा एक स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, या वहाँ पर सूजन आनी शुरू हो जाएगी, वहाँ एक दर्द सा होना शुरू हो सकता है, पेन होना शुरू हो सकता है, ये सारे सिम्टम आपको रह सकते हैं कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, आगे चल के कॉन्स्टेंट भी रह सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। अल्टीमेटली वहाँ एक वीकनेस हो रही है वॉल पे, वॉल वीकनेस में से इंटेस्टाइन्स या मोमेंटम बाहर आने की कोशिश कर रहा है, जब भी आप स्ट्रेन कर रहे हैं, जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन है, जब भी आप वजन ज़्यादा उठा रहे हैं, और जब भी एक्सेलरेशन, कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई भी ट्विस्टिंग टर्निंग कटिंग लिकिंग, तो उससे बढ़ जाएगा, कफिंग से, स्नीजिंग से, खांसी करने से बढ़ जाएगा। स्पोर्ट्स हर्निया ज़्यादातर स्टैटिस्टिकली विमेन में कॉमन होता है, कि विमेन के कोर मसल्स उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, विमेन अगर कोर पे पहले ज़्यादा काम करे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट विमेन के लिए, राइट। उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है इसको प्रिवेंट करने के लिए, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन पे अभी हमें आते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑफ द कोर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टॉर्सो मसल। डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, फिजिशियन देख के बता देंगे, खांसी, हाथ रख के खांसी करवाएंगे, थोड़ा सा आपका प्रेशर लगवाएंगे, अगर प्रेशर से खांसी से वो बढ़ रहा है, दैट इज हर्निया, राइट। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पेन हो रही है, तो रेस्ट आइस और पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपको पेन को थोड़े दिन के लिए शांत कर सकते हैं, करेक्ट नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स हर्निया को ट्रीटमेंट, फर्स्ट थिंग इज रेस्ट, जो चीज़ से हुआ है उसको बार बार करना से काम नहीं होगा, आइस पैक लगा के रख सकते हो 20 मिनट 30 मिनट के लिए, उसको क्या होगा, थोड़ा सा सूजन कम हो जाएगी। समटाइम्स क्या होता है, सूजन हर्निया में कुछ चीज़ें घुस के फंस जाती हैं, फंस जाने के बाद मान लो दो थोड़ी सी पार्ट इंटेस्टाइन का या कोई पार्ट फंस गया, वो सूजन होती जाएगी, बड़ा होता जाएगा, और जब आप बर्फ लगाओगे थोड़ा ठंडा होके निकल जाएगा, सो रिलैक्स हो जाएगा। द पॉइंट इज रिड्यूसिंग द हर्निया, रिड्यूसिंग इंपॉर्टेंट है उसको प्रिवेंशन, उसको एट बे रखने के लिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर का ज़्यादा रोल नहीं है, बट पेन रहता है तो खाना खा सकते हो कभी कभार,
बाकी अल्टीमेटली पेन परसिस्ट करता है, हर्निया बढ़ता जा रहा है, दिक्कत बढ़ती जा रही है, लास्ट ऑप्शन इज सर्जरी। सर्जरी में लोअर एब्डोमिनल मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू को रिलीज किया जाता है और उस जगह जो जो गैप है, जो वीकनेस है, उसको सिल दिया जाता है, उसके ऊपर मैश लगाया जाता है और यू आर गुड टू गो। सर्जरी इज अ माइनर सर्जरी, कोई मेजर इशू नहीं है। सो प्रिवेंशन इज रेस्ट, आइस पैक एंड प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ कोर एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ के लिए आप स्लोली अपने कोर एक्सरसाइजेस करोगे, नॉट लाइक क्रंचेस। क्रंचेस आर नॉट बेसिकली कोर एक्सरसाइजेस। कोर एक्सरसाइजेस में आपके पूरी टॉर्सो इन्वॉल्व होती है, प्लैंक्स आर कोर एक्सरसाइजेस, सुपरमैन इज कोर एक्सरसाइजेस, राइट। और जो आपका बॉडी को खड़े रखना इज इटसेल्फ इज अ कोर एक्सरसाइज, राइट। लोअर बैक और लेग ऊपर करना जो आपका होता है ना, लेग रेजेस, दे आर गुड एक्सरसाइजेस। सो लेग रेजेस इज इम्पॉर्टेंट। ये सारी एक्सरसाइजेस करने से आप लोगों का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और प्रिवेंट भी होगे हर्नियाज। सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ हर्नियाज जो हम कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में ऑपरेशन की, कौन सा ऑपरेशन होता है अभी सबको जानना है। हर्निया हो गया हो गया, अब ऑपरेट करना है, कौन सा करना है, की खाल है की नहीं है, मैश की हुंदा नहीं की नहीं हुंदा, वो बारे गल करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क मी नाउ।